नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, देखिए बैंक निफ्टी ने यहां पे 31,977 के पास में हमारी क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अगर देखा जाए तो फ्राइडे के सेशन में काफ़ी दो दिन के अप ट्रेंड के बाद में हमने यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बनाई है और यहाँ पे हमने क्लोजिंग दी है 32,000 के आसपास। अगर डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये एरिया जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो है 32,500 से 32,550। ये इसके लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को यही बताया था कि बैंक निफ्टी नो ट्रेडिंग जोन में है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ट्रेड बनने वाले हैं नहीं। कल के सेशन में यानी फ्राइडे के सेशन में कुछ ज़्यादा ट्रेड हमें मिलेंगे नहीं। तो फ्राइडे के सेशन में अगर आप 15 मिनट का चार्ट में लगा लूँ तो ध्यान से देखिए तो कुछ भी नहीं। अगर पहले कैंडल को आप मार्क करेंगे तो पहले कैंडल के अंदर में ही सारे दिन यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है, यानी जो फर्स्ट हाई बन गया और फर्स्ट लो बन गया। इसीलिए देखिए मैंने एक ही ट्रेड कल के सेशन में लिया था, फ्राइडे के सेशन में, वो 30,800 की पुट थी, वो सुबह सुबह ही हमें मिल गई थी। उसके बाद यहाँ पे कोई भी ट्रेंड अगर आप क्लियर कट ढूंढने जाओगे तो कहीं भी कोई भी ट्रेंड नहीं है और पहली कैंडल के अंदर में ही हमने ट्रेड किया है। पहली कैंडल का हमने जो हाई लगाया था 32,325 का और जो लो लगाया है वो लगाया है यहाँ पे हमने 31,917 का हमने लो लगाया है और उसी को सारे दिन हमने मेंटेन किया है। तो बैंक निफ्टी अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है। इस रेंज के बाहर निकलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कम से कम 400 से 500 पॉइंट की वन वे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। अगर 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देखिए अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको 15 मिनट आवरली और डेली वीकली चारों चार्ट दिखाता हूँ, उसको ध्यान से देखिए समझिए कि नेक्स्ट वीक के हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं और मंडे के सेशन में इंट्राडे किस तरह से मूवमेंट हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि बुधवार को हमारी फिर से एक छुट्टी है तो उसका भी एडजस्टमेंट होगा और बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, तो ये नज़र बना के आप लोग जरूर रखिएगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बुधवार को हमारे यहाँ पर छुट्टी है, जिससे ऑप्शन के प्रीमियम में इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट अगर देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट क्लियर कट मुझे लगता है कि डाउन ट्रेंड अगर मिला, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है और 900-880 वाले लेवल को ब्रेक करता है तो बहुत जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, जो मुझे लगता है कि यहां पे आपको फिर 31,400 के आसपास तक इंट्राडे में लेके आ सकती है। लेकिन इंट्राडे में एक ही बार में 31,400 नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा पहला टारगेट हमें 31,700 के आसपास रखना पड़ेगा, दूसरा जो टारगेट हमारा रखना पड़ेगा वो यहाँ पर रखना पड़ेगा 31,500 के आसपास में। तो हमें ट्रेड कब करना चाहिए बैंक निफ्टी को मंडे के सेशन में? हमें ट्रेड तब करना है जब ये 31,880 के लेवल को ब्रेक करेगा। 31,880 के बाद ही ये वीक होगा और टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा 31,720 का, और उसके बाद जो हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा वो रहेगा 31,550 का, और उसके बाद जो मेरा टारगेट होगा वो रहेगा 31,320 का। तो ये तीन टारगेट मेरे रहेंगे, फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 31,720 का, सेकंड टारगेट मेरा होगा 31,550 का, और थर्ड टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा 31,320 का। ये तीन टारगेट मेरे रहेंगे नीचे की साइड में, और मुझे पॉसिबिलिटीज यही लगती है कि नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो हमें अच्छी मूवमेंट मिलेगी। ऊपर की साइड में फिर से हमारे लिए ये पहली कैंडल जो बनी है वही रजिस्टेंस का काम करेगी कल के सेशन में, और ऊपर की तरफ भी रजिस्टेंस हमारे पास बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने बताया कि 32,550 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर ऊपर की साइड में हम इंट्राडे के दौरान अगर आपको ट्रेड ही करना है तो वो ध्यान रखिएगा वो हम ट्रेड कर सकते हैं तब जब हम 32,120 के ऊपर ट्रेड करेंगे। ये ट्रेड आपका शॉर्ट यानी छोटा ट्रेड होगा, यानी इसमें अगर आप फुल क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अगर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वांटिटी ही ट्रेड करनी चाहिए कि ट्रेंड ज़्यादा अच्छा डाउन साइड में हमें मिलेगा ना कि अप साइड में। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए इंट्राडे के दौरान हम कई बार इस जगह पर आए लेकिन इस जगह को हमने ब्रेक नहीं किया है और पीछे भी देखेंगे तो इसी जगह के आसपास से हम बाउंस बैक ले रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा अगर बाउंस बैक मिलता है तो 120 के बाद हम ट्रेड करेंगे तो वो होगा 32,230 का, और उसके बाद फिर हमें टारगेट मिलेगा 32,350 का, और फिर हमारा टारगेट होगा 32,500 के आसपास का। तो ये तीन टारगेट हमारे अपसाइड के मिलेंगे। अब चलिए मैं आपको इसका आवरली चार्ट दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का। ये हमने इसको पहले डिलीट कर लिया, अब हम इसके चार्ट को कर लेते हैं अपने आवरली चार्ट। आवरली चार्ट में अगर ध्यान से देखें, देखिए पिछले कल के सेशन का पूरा गया और उसके बाद यहाँ अगर मैं पीछे करूँ तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट डे हमने इसी जगह के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दी थी, सॉरी गैप अप ओपनिंग दिया था, और ओपनिंग के बाद हम नीचे की तरफ यहाँ पे आए थे। नीचे आके हमने सपोर्ट लिया था 31,400 के आसपास, तो हो सकता है हम इसी जगह पर ओपन हों और ओपन होने के बाद इसी तरह से हम गिरे और 15 से 20 मिनट में ही आपको यहाँ पर 300-400 पॉइंट का करेक्शन देखने को शायद मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। तो नज़र बना के रखिएगा आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट देखिए कंटिन्यू यहाँ पर देखेंगे तो डाउनफॉल ही दिख रहा है आवरली चार्ट में, कहीं पर भी
ये ऊपर जाने के सिग्नल दे नहीं रहा है और डायरेक्ट ही आवर्ली चार्ट में ओपन होने के बाद हम डायरेक्ट नीचे की तरफ ही यहाँ पे आए हैं। तो जैसा कि मैंने ऊपर वाला रेंज बताया वो ध्यान रखिएगा, नीचे की साइड में जैसे ब्रेक करेंगे तो आवर्ली चार्ट पे भी हमें यही दो टारगेट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अगर हम मंडे के सेशन में यहाँ पे क्लोज करते हैं 31,400 के नीचे, 31,400 के नीचे क्लोज करते हैं तो जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा, वो रहेगा 31,000 के आसपास का, और उसके बाद जो टारगेट आएगा वो यहाँ पे रहेगा आपका 30,600 का, यानी 30,600 31,000 दो टारगेट आएंगे अगर हम मंडे के सेशन में 31,400 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करते हैं। तो मूवमेंट काफ़ी फास्ट आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ये सारे जो बायर होंगे ना, ये बायर सारे ट्रैप हो जाएंगे और बहुत तेज़ी से वो लोग जो 30,600 वाला लेवल है वहाँ पर लेके आएंगे। अब चलिए यहाँ पर मैं एक वीकली चार्ट आपके एनालिसिस करता हूँ। वीकली चार्ट में अभी कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं वीकली चार्ट में, क्योंकि वीकली चार्ट में हम तभी वीक होंगे जब यहाँ पे हमने पिछले लो जो बनाए थे यहाँ पे 29,500 उसके नीचे क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे अभी 29,500 देखा जाए तो लगभग हम यहाँ से लगभग 2000 पॉइंट ऊपर हैं, तो 2000 पॉइंट ऊपर है। पहला टारगेट हमारा वीकली चार्ट पे यही रहेगा 29,500 के आसपास, तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है वीकली चार्ट पे जो 29,500, ये जो छोटी छोटी कैंडलें दिख रही हैं आपको ये सारा सपोर्ट का काम करेंगी। जब भी इस रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं तब तक ये सपोर्ट का काम करेंगी, जब ये इसको ब्रेक करेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा, तब आपको यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा जो कि लेके आएगा इसको 26,500 के आसपास में, यहाँ पे फिर लेके आएगा ये जो लेवल, सॉरी 25,000 के आसपास, 25,500 से लेकर के 26,000, फिर ये हमारा टारगेट यहाँ पे बन के आएगा जब हम इस लेवल यानी 29,500 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेंगे वीकली चार्ट में। तब ये मूवमेंट बहुत फास्ट, ध्यान रखिएगा ये मूवमेंट बहुत फास्ट होगी, ये मूवमेंट स्लो इस तरह से स्लो नहीं होगी, धीरे धीरे ये मूवमेंट बहुत फास्ट होगी। तो शायद आप देखेंगे ये 2000 पॉइंट शायद आपको 3 दिन 4 दिन या 5 दिन में करता हुआ बैंक निफ्टी दिखेगा और ये कंटिन्यू आएगा, ये रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यू आएगा, बहुत तेज़ी से आएगा। तो इस पर आप नज़र बना के रखिएगा 29,500 के नीचे जैसे हम वीकली चार्ट पे क्लोज करेंगे। तब डेली चार्ट की एनालिसिस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी, तो डेली चार्ट पे जो एक ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखिए ऊपर जाते वक्त बैंक निफ्टी को इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे प्रेशर मिलता ही रहेगा, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम क्लोज नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे मूड ठीक नहीं होगा बैंक निफ्टी का। आवर्ली चार्ट पे एक चीज़ और देखें तो जब तक हम दो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करेंगे, यानी दो बार यानी पिछले हाई के ऊपर हम क्लोज नहीं करते हैं, दो पिछले हाई के ऊपर क्लोज नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे मूड बैंक निफ्टी का ठीक नहीं होगा। मतलब ये कि अगर हम एक बार इस हाई के ऊपर निकलने के साथ ही हमें इस हाई के ऊपर भी जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे, यानी जो भी पिछला दो स्विंग हाई होगा उसके ऊपर ही क्लोज करेंगे तभी यहाँ पे मोमेंटम ऊपर की साइड में एक वन वे मूवमेंट बनेगी। जब तक हम दो हाई को क्लोज नहीं करते हैं तब तक यहाँ पे वन वे मूवमेंट आपको ऊपर की साइड में नहीं मिलेगी। तो बीच बीच में ये 400 500 1000 पॉइंट के अप मूव मिलेंगे, नए सेलर यहाँ पे एक्टिव होंगे, फिर से वो नए लो बना के यहाँ पे दिखाएंगे आपको। तो नज़र बना के रखिएगा, बेस्ट मूवमेंट आपको यहाँ पे डाउन साइड का मिलेगा। और बहुत ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन के कुछ और स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पर पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा दबाव जो पड़ेगा वो पड़ेगा बैंक निफ्टी पर, क्योंकि बैंकिंग पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा अगर ये लॉकडाउन होता है तो। लोगों की सैलरियाँ नहीं मिलेंगी, लोग बैंक में पैसे नहीं आएंगे, जो लोन देना है बैंकों को वो लोग नहीं दे पाएंगे, लोग खर्चे कम करेंगे, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो होगा वो बैंकिंग पे पड़ेगा। तो बैंकिंग पे नजर बना के रखिएगा, बहुत अच्छे चांसेस है कि मंडे के सेशन में अगर नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो बहुत अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी में ऊपर और नीचे ले जाने में मदद करेंगे। दोस्तों अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स या एलायंस ब्लू में से किसी एक में अकाउंट ओपन करना है, और अकाउंट ओपन होने के बाद में जो लॉगिंग आईडी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ पे आपको सेंड कर देना है। अगर आपको हमारी फ्री स्टॉक्स मार्केट ट्रेनिंग चाहिए, फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग चाहिए जिसपे आपको कोई चार्ज नहीं पे करना है, उसके लिए भी बस आपको हमारे डीमैट लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आप एक्टिव होकर वहाँ पे ट्रेड करते हो तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। हमारा पहला स्टॉक है वो है AU बैंक का, तो AU बैंक पे नज़र बना के रखिएगा, 1050 के नीचे की क्लोजिंग इसको सीधा 950 के आसपास लेके आएगी और बीच में कहीं पर कोई सपोर्ट इसके पास में नहीं है, तो नज़र बना के रखिएगा अगर नीचे 1050 के नीचे क्लोज करता है तब। एक्सिस बैंक सपोर्ट लेवल इसका जो है 620 के आसपास है, तो ज़्यादा बड़ी मूवमेंट ऊपर की मत सोचिएगा, नीचे की साइड में ही देखिए अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो। अगर आपके पास पोजीशन है तो एक बार पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि उसको भी नीचे फिर आपको ये 560-570 के आसपास भी मिल सकता है, और शायद मार्केट खराब हुआ तो शायद आपको ये 480 के पास में भी मिलता हुआ दिखेगा। अगला स्टॉक हमारा
बंधन बैंक जो कि मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि 320 इसके पास सपोर्ट है। अगर ये 320 ब्रेक करता है तो सीधा इसके पास में 20 से 25 पॉइंट की डाउनफॉल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो नज़र बना के रखिएगा और मंडे के सेशन में आप इसके लो के नीचे सेल कर सकते हैं, यानी फ्राइडे के नो के नीचे, यानी ये 319 के नीचे ट्रेड करता है फ्राइडे को, तो यहाँ पे सेल कीजिए, आपको अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फेडरल बैंक कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच। HDFC बैंक यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, जो रेजिस्टेंस है वो 1670-1680 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और डाउन साइड नीचे की साइड में ओपन, बड़ी डाउन साइड ओपन तब होगी जब ये 1350 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगा। ICICI बैंक ऊपर की साइड में, इसमें भी रेजिस्टेंस है, वो 600-610 के आसपास का है, तो नज़र बना के रखिएगा। नीचे की साइड में अगर ये 520 को ब्रेक करेगा तो सीधा इस बार ये 490-480 के पास आता हुआ दिखेगा। IDFC फर्स्ट कुछ नहीं करना है, इंडसइंड बैंक बेस्ट शॉर्ट कैंडिडेट यही बनेगा मेरे ख्याल से। मंडे के सेशन में अगर ये लो को ब्रेक करता है, यानी 3850 के नीचे अगर इंट्राडे में ट्रेड करे तो इसको सेल कीजिए। पहला टारगेट आपको 840, फिर 830, फिर 800 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, तो इसको आप सेल कर सकते हैं इंडसइंड बैंक को, अगर ये 850 के नीचे ट्रेड करता है मंडे के सेशन में। तो कोटक बैंक यहाँ पे जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 1700 के आसपास है, रेजिस्टेंस जो है वो 1810 के आसपास है। इस रेंज के बाहर ये जिस साइड में निकलेगा आपको यहाँ पे 100-150 पॉइंट की वन वे रैली देखने को मिलेगी। अगर ये ऊपर की साइड में 1815-1816 के ऊपर क्लोज करेगा तो ये 1900-1950 के पास तक जा सकता है। अगर ये नीचे 1700 यानी 1680-90 के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पे फिर ये 1600 और 1550 के लेवल भी आपको दिखाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, जो भी मूवमेंट होगी क्लियर कट मूवमेंट आपको यहाँ पे कोटक बैंक में देखने को मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जाके आप सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस। ऑलरेडी 1,00,000 से ज़्यादा मेंबर वहाँ पे जुड़े हैं, तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं इंट्राडे के कुछ व्यू पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अगला स्टॉक हमारा PNB, यहाँ पे हमें अभी कुछ नहीं करना है, करना तब है जब ये 33 के नीचे जाएगा, वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। RBL बैंक 200 के नीचे, मैंने बोला था कि ये इसका टारगेट 170-180 होगा, तो 180 वाला टारगेट तो ये अचीव कर चुका है मेरे ख्याल से, अब ये 170 की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा। नेक्स्ट लास्ट टारगेट इसका जो रहेगा 150 के आसपास रहेगा RBL बैंक का। SBI जब तक ये 375 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक ये वीक ही रहेगा, ये नज़र बना के रखिएगा आप, और हर बाउंस बैक पे यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे। तो अब जो अगला रेजिस्टेंस इसके लिए है वो 355 का है, तो जिसके पास पोजीशन है या शॉर्ट की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर 355 का आप लगा के रखिएगा SBI में। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।